हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे एंट्रेंस एग्ज़ाम की इंग्लिश सेक्शन ये एग्ज़ाम जो है आज हुआ है और आज है एटीन ऑफ जुलाई 2021 इससे पहले की वीडियोस में आपने जीके और मैथमेटिक्स सेक्शन देख लिया होगा तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट है फाइंड द करेक्ट आंसर्स सबसे फर्स्ट है एज यू सो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सो शैल यू रीप सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट है डैश अर्थ मोव्स अराउंड द सन तो इसका सी ऑप्शन द अर्थ मोव्स अराउंड द सन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द सेंटेंस द गीता इज द सेक्रेट बुक ऑफ हिंदूज तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन ये है एक एडजेक्टिव नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल तो यह है यू सॉरी ही मस्ट अवाइड डैश हिज प्रोमिस तो इसका होगा डी ही मस्ट अवाइड टू हिज प्रोमिस डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज नॉट एफ्रेड डैश यू तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ ही इज नॉट एफरेट ऑफ यू सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज अटेंड डैश वट आई से तो सिक्स का हो जाएगा सी प्लीज अटेंड टू वट आई से नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग बार्क डैश द थीफ तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन एट डॉप वर्क एट द थीफ नेक्स्ट है दे हैव डैश न्यू कार तो एर्थ का हो जाएगा सी ऑप्शन दे हैव अव कार और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीवियर डैश पिक पॉकेट्स तो इसका हो जाएगा विवियर ऑफ पिक पॉकेट्स सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स बी सूटेबल आर्टिकल ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन तो इसका जो करेक्ट है वो रहेगा सी ही इज़ नॉट एंड ऑनरेबल मैन सी ऑप्शन नेक्स्ट है गोल्ड इज़ डैश प्रिशियस मेटल तो इसका होगा सी गोल्ड इज़ अ प्रीसीस मेटल नेक्स्ट है आई हैव स्पेंड डैश मनी दैट यू गेव मी इसका जो करेक्ट होगा वो होगा सी ऑप्शन आई हैव स्पेंड द मनी दैट यू गेव मी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट है यू मस्ट एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस तो इसका जो है वो करेक्ट रहेगा थर्टींथ का बी ऑप्शन यू मस्ट एक्ट अपॉन योर टीचर्स एडवाइस बी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट है फोर्टीन क्वेश्चन मोहनबास एब्सेंट डैश द क्लास तो इसका होगा मोहन बास एब्सेंट फ्रॉम द क्लास डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज एक्यूज डैश मर्डर तो फिफ्टीन का होगा डी ऑप्शन ही वॉज़ एक्यूज ऑफ मर्डर डी ऑप्शन नेक्स्ट है शी हैज़ नो अफेक्शन डैश मी तो सिक्सटीन का होगा सी ऑप्शन शी हैज़ नो अफेक्शन टू मी नेक्स्ट है ही डिन नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल तो इसका हो जाएगा सेवनटीन्थ का ए ही डिन नॉट एग्री विद माई प्रपोजल ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ एग्री डैश योर कंडक्ट तो एटीन का हो जाएगा ऑप्शन एटीनथ इसमें जो है मेरे को डाउट है अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नैक्स्ट है नाइनटीन यू मस्ट अपोलोजाइज डैश योर मिस कंडक्ट तो नाइनटीन का हो जाएगा ऑप्शन ए यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस कंडक्ट ए ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड बर्ड्स तो इस ये है सीजर्स ट्वेंटी का होगा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है ये एस सी आई डबल एस ओ आर एस सीजर्स नेक्स्ट है निमोनिया तो निमोनिया का होता है करेक्ट डी ऑप्शन निमोनिया नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो ये सिनोनिम्स आ गए सबसे so, फर्स्ट है एवं तो इसका जो है वो करेक्ट होगा लीव डी ऑप्शन नेक्स्ट है एमएबल ट्वेंटी थ्री तो इसका होगा डी ऑप्शन काइंड हार्टिड नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज़ द वर्ड विच एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड इसका जो है ऑपोजिट बताना है हमें तो एट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है रिपेल तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है एंड द लास्ट इज़ ब्रूटल इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा ह्यूमेन तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू फ्रेंड्स